हाय गाइस वेलकम बैक सो फाइनली इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म क्योंकि सलार का फर्स्ट सिंगल ड्रॉप हो चुका है इस सॉन्ग के बारे में बात होने वाली है इसका रिव्यू देने वाली हूं मैं साथ साथ में हम लोग बात करेंगे सलार की जो थीम है उसके ऊपर तो वीडियो का देख लिया चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करूंगी इस सॉन्ग के बारे में वॉट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग Uh, आपसे कल जब एक uh, कल और परसों भी जब से मैं से सलार के सिंगल के बारे में ऑफिशियली की ये एक ऐसा <coughs> मतलब, uh, uh, सॉन्ग होने वाला है फ्रेंडशिप के ऊपर इसका टाइटल जब तक नहीं आया था तब तक भी मैंने बोल ही दिया था कि यार ये मुझे लगता है दो दोस्तों की कहानी है जिसमे की देवा और वर्धा जो दोनों मेन कैरेक्टर्स है हमारे प्रभास एस देवा एंड अः पृथ्वीराज सुकुमारन एज वर्धा वर्धा राज मन्नार दोनों की दोस्ती के ऊपर एक ऐसा गाना रवि बसरूर जरूर बनाएंगे जो कि लोगों को रुला देगा वहां पर थिएटर्स में क्योंकि जब दोस्ती की बात आती है तो हम बात तो हम सोचते हैं कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें दोस्ती को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है और अगर मैं बात करूं प्रशांत नील के वो टच की रवि बसरूर के वो टच की तो ये जैसे हमने के में देखा था के में दोस्ती वाला एंगल नहीं था उसमें माँ बेटे का का, का जो यू नो बॉन्ड था वो था कि माँ ने कैसे अपने बेटे के थ्रू अपने जो भी ड्रीम्स थे जिस तरीके से उन्होंने सोचा था वो चीजें हुई यहाँ पर एक दोस्ती का वादा है यहाँ पर एक एक सुरक्षा का पूरा का पूरा जिम्मा जो है सलार यानी कि देवा उनके साथ है वर्धा के साथ है तो क्या ऐसी चीजें अनफोल्ड होंगी कहानी में जिसके चलते ये देखा जाएगा कि देवा को अः कि वर्धा को क्यों यू नो देवा की दोस्ती जो है इतनी प्यारी है और क्या ऐसा होता है जिसके चलते आगे कहानी में हम देखेंगे कि क्या-क्या चैलेंजेस -क्या जो हैं देखने को मिल सकते हैं अगर मैं आपसे बात करूं इसके पिक्चराइजेशन की ना ये मुझे कहीं कहीं पर क्या बहुत जगहों पर याद दिलाता है बाहुबली टू का जो आव, आव, मतलब एक वो इंट्रो सॉन्ग था गा, अगर आपको याद होगा जिसमें इंट्रोडक्शन था शुरू का गाना था शिवम वो सॉन्ग

हमारे घर में फॉलो किया जाता है तो हम लोग ये देखकर इतने सरप्राइज हो गए थे कि यार मतलब व्हाट अ वॉइस यू विल नॉट बिलीव अभी जो आप आपको शायद लगेगा भी नहीं कि ये उनका पहला सॉन्ग है लाइफ का पहला गाना है जो उन्होंने गाया है शी इज टोटली विजुअली उनको मतलब वो कुछ भी देख नहीं सकती हैं और जस्ट सोचो इस सॉन्ग में कितनी सोल है हिंदी वाले वर्जन में मैंने बाकी लैंग्वेजेस में चेक नहीं किया बाकी लैंग्वेजेस में सिंगर कौन है लेकिन भाई हिंदी में तो कमाल हो गया आई मीन आई फील सो हैप्पी टू सी कि अच्छे टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिल रहा है सो रवि बसरूर का जैसे मैंने कहा था रवि बसरूर का एक ऐसा थीम सॉन्ग जरूर होगा जो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और वो शुरू से जैसे ही ये सॉन्ग जैसे आया है मुझे लगता है यूट्यूब का जो सर्वर है वो अब क्रैश करना शुरू कर रहा है क्योंकि मैं जैसे ही मैंने व्यू काउंट्स देखे मैंने कहा यार सबसे पहले तेलुगु वर्जन में और उसके बाद हिंदी वर्जन में व्यू काउंट सबसे ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं तो शुरू में जब ये सॉन्ग अभी आया था ना जैसे ही रिलीज हुआ था तो मैं सर्च करी थी हम्बाले फिल्म के ही पेज पे थी बट मुझे लगता है कि वो एक के बाद एक के बाद एक एक ऑर्डर में ये सारे सॉन्ग्स अपलोड किए गए ऑफकोर्स एक ऑर्डर में होते हैं अपलोड सारे यूट्यूब्स पे यूट्यूब पे तो जो भी uh, uh, मतलब लिंक भी कुछ और आ रहे थे इस पर ट्विटर uh, पर जो फैंस शेयर कर रहे थे वो थोड़े से लिंक्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे थे पहले मुझे लगा कि पता नहीं कोई ग्लिच तो नहीं हो गया हिंदी में क्यों नहीं मुझे देखने को मिल रहा लेकिन मतलब आफ्टर जस्ट अ फ्यू सेकंड जब मैंने दोबारा चेक किया तो हिंदी में भी आ चुका था रियली 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 हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद दिस सॉन्ग ये सॉन्ग एक जैसे मैंने कहा कि एक फाउंडेशन सॉन्ग होगा ऑफ अ फ्रेंडशिप कि दोनों की फ्रेंडशिप है दोनों का बचपन वाला वर्जन भी है और ये वाला भी जो आप देख रहे हो ना मतलब अगर आप कहीं कहीं पर ड्रॉ कर सकते हो इस कंपैरिजन को तो नहीं बोलूंगी मैं लेकिन जैसे हमने कुछ कुछ टेम्पलेट आरआरआर में भी दोनों की दोस्ती की देखी थी जिसमें हमने भीम और रामा राजू की दोस्ती देखी थी मुझे ये दोस्ती वाले टेम्पलेट बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं जितने भी ऑडियंसेज है फ्रेंडशिप इज एवरीबडीज सबको दोस्त एक ऐसा चाहिए जैसा कि इसमें वरदराजा मन्नार और देवा की दोस्ती है सो दिस सॉन्ग इज अ ब्लॉकबस्टर इंस्टेंट चार्टबस्टर होने वाला है ये मुझे लगता है लोग जैसे मैंने कहा कि जब ये स्क्रीन पर आएगा सॉन्ग तो जो टोटल फैंस है ना और जो बिल्कुल एंग्रोस होकर के देखते हैं जरूर होने वाले हैं पक्की बात है सो आई एम हैप्पी टू सी कि अब धीरे-धीरे करके जैसे अनफोल्ड हो रही है कहानी इंटेंसिटी पता चल रही है हमारे को दोनों की दोस्ती की और एक सीन ऐसा भी आता है जहां पर वर्धा जो है वो घबरा कर खड़े होते हैं उठ जाते हैं नींद से और वहीं उनके साथ में उनको कंफर्ट करने के लिए यही सीन के आसपास का सीन है कंफर्ट करने के लिए देवा मौजूद होते हैं तो मतलब दोस्ती बचपन से है इतनी ही ज्यादा पैशनेट है और आगे चलकर भी ऐसी रहने वाली है सो तो, आगे चल करके क्या होगा ये दोस्ती क्या ऐसे ही बरकरार रहेगी कहानी हमको बताएगी वैसे बहुत सारी फैन थ्योरीज आ चुकी हैं कि यू नो डबल रोल है देवा का मतलब प्रभास का बहुत सारी थ्योरीज हैं कौन कौन सी है किसको माना जाए अभी नहीं कह सकते लेकिन भाई एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ चुका है अब सलार को लेकर क्या लगता है आपको सलार क्या कुछ करेगी बॉक्स ऑफिस में इस सॉन्ग के बाद ना अब एडवांस बुकिंग अब एडवांस बुकिंग सलार के देखना एक कौन से आसमान को छुएगी सो लेट्स वेट एंड वॉच आगे चल के क्या होता है आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग बाय रवि बसरूर आपका क्या क्या रिश्क्शन लेटमी इन कॉमेंट सेक्शन बाकी फ्लेक् वीडियो डोट फुट शेर इट एंड डोट फुगे इब माई चैनल शेयर